क्वेश्चन है अ गिवन नंबर ऑफ एटम, ध्यान से सुनना है इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ गिवन नंबर ऑफ एटम एन नॉट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ कैपिटल टी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्लड स्ट्रीम ऑफ, एन नॉट एटम लिए और कहां डाल दिए गए, ब्लड के अंदर, किसके, नॉर्मल पर्सन ए हैविंग टोटल वॉल्यूम वी ऑफ द ब्लड इन द बॉडी। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके अंदर वी वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, इसमें एन नॉट एटम को हमने डाल दिया। नेक्स्ट है पर्सन बी इन नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो जो पर्सन है वो बी है जिसको खून की जरूरत है, उसमें भी डाल दिए गए एन नॉट के एन नॉट, हैविंग वॉल्यूम वी डैश ऑफ द ब्लड इन द बॉडी, इसका ब्लड का वॉल्यूम कम है, वी ज्यादा है, वी डैश कम है, इसको ब्लड चाहिए। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, अंडरलाइन कर लेना पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि नॉर्मली आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम गिवन होते हैं, ये क्या दे रहा है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टू पर्सन आफ्टर टाइम एन इन टू टी, कुछ देर के बाद उनकी बॉडीज में नंबर ऑफ एटम लेफ्ट, नहीं नंबर ऑफ एटम लेफ्ट पर यूनिट वॉल्यूम, एन वन एन टू देखे गए, तो एन वन एन टू यहां पर नंबर ऑफ एटम लेफ्ट नहीं है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम लेफ्ट है, और जबकि एन नॉट क्या था, नंबर ऑफ एटम थे, ठीक। तो वो क्या कह रहे हैं, प्रूव मैथमेटिकली कि जो पेशेंट है उसको इतना ब्लड चाहिए होगा, ठीक। तो रूल नंबर वन कि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, ठीक, क्या फॉर्मूला होगा, एन नॉट हाफ रेज टू पावर एन, यही था। एक काम करते हैं, दोनों तरफ से वॉल्यूम से क्या कर दें, डिवाइड। तो मुझे पता है कि ये पूरी की पूरी टर्म मुझे क्या गिवन है, एन वन या एन टू गिवन है, तो अगर मैंने इक्वेशन यूज करनी है तो ये नंबर ऑफ एटम, तो ये भी नंबर ऑफ एटम, या अगर ये नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम है तो ये भी क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, तो इक्वेशन तो तभी बैलेंस करोगे। तो इसीलिए ये देखो इक्वेशन क्या है, एन वन इज हाफ, एन वन इज एन नॉट, नहीं एन नॉट बाई वी, वो क्यों, क्योंकि एन वन का मतलब यहां पर नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एन वन है और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम थे कितने इनिशियली, एन नॉट बाई वी, हाफ रेज टू पावर एन, ये ए पर्सन है, बी पर्सन में ये एन टू है और ये वी डैश है, इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास ये रेशियो आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने वी डैश निकाल लिया, तो जो पेशेंट है उसको वी डैश ब्लड, इतना ब्लड है उसके अंदर, और जो एक्चुअल जो बंदा था, जो ठीक बंदा है, उसके अंदर वी ब्लड है, तो ठीक बंदा इस पेशेंट को ब्लड देगा अपने अंदर से, जो एक्स्ट्रा ब्लड चाहिए वी माइनस वी डैश, ये रहा आंसर। आपके माइंड में ये तो नहीं आ रहा, ठीक बंदा बीमार हो जाएगा ब्लड दे के काफी, तो ब्लड फिर से बन जाएगा, क्योंकि वी डैश वाला पेशेंट है उसका ब्लड नहीं बन रहा, तभी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रहा है, तो जो इसका ब्लड चला गया उसका पूरा करने में, तो ये ब्लड फिर से बना लेगा, वो हमारी टेंशन नहीं है, वैसे हमारा यही काम है। तो जो मशीन हॉस्पिटल में काम करती हैं वो बेसिकली क्या है, इंजीनियर्स बनाते हैं, पहले ये पढ़ा होगा, फिर ये फॉर्मूले की कोडिंग की होगी कंप्यूटर वालों ने, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने मशीन बनाई होगी, और फिर ताकि ये लगाना ना पड़े बस ब्लड का सैंपल डालो, रेडियो एक्टिव सैंपल डालो, मशीन अपने आप बता देगी इतना ब्लड चाहिए इसे, ख़त्म। तो यही इंजीनियरिंग है, साइंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है यहाँ तक। एक ये क्वेश्चन, दूसरा इसमें ये वाला क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एटम वाई इनिशियली एट रेस्ट डीकेज एमिटिंग अल्फा पार्टिकल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन गिवन है वाई एक्स में कन्वर्ट हो गया और अल्फा पार्टिकल एनर्जी निकाल गया, ठीक हो गया, वाई एक्स में कन्वर्ट हो गया। आगे क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर गिवन, तो वाई और एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिवन है एंड अल्फा पार्टिकल की भी गिवन है, हालांकि यहां पर यूनिट्स, चलो पर न्यूक्लियॉन बोल ही दिया इसने, सब कुछ पर न्यूक्लियॉन है। एज्यूमिंग डॉटर न्यूक्लियस जो एक्स बनी टू बी फॉर्म्ड इन अनएक्साइटेड स्टेट, तो एक्स जो बनी वो एक्साइटमेंट नहीं है, तो मतलब कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, बस वो बैठ गई, बाकी जो एनर्जी थी वो कौन ले गया, अल्फा, तो अल्फा पार्टिकल एनर्जी लेके ही भाग गया, उसकी वेलोसिटी बताओ कितनी है। तो एक काम करते हैं, अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी है कितनी पहले वो निकाल लें, तो जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें सिर्फ वाई है
वाई में कितने, ए की वैल्यू कितनी है 235, इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग एनर्जी आ गई वाई की, ऐसी एक्स की, ऐसी हीलियम की, तो क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स माइनस प्लस हीलियम माइनस एनर्जी ऑफ वाई, तो माइनस करके क्या आ गई, ये एनर्जी आ गई जो किसको मिली, एक्स ने तो रखी नहीं, डॉटर ने रखी नहीं, किसने रखी, अल्फा ने, तो अल्फा को ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, काइनेटिक, यहां से वी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो ऐसे सोचना है आपने इस टाइप की प्रॉब्लम में, ठीक। तो उसी तरीके से एक और चीज मुझे कर बतानी है इसमें, कुछ नहीं है, टेंथ, टेंथ, है बस अभी शुरू कर रहे हैं, अच्छा बस कर देते हैं ये लोग दो मिनट में। डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ अ सर्टन रेडियो एक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट इज 4750 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट, और पांच मिनट के बाद रेट बिकम्स 2700 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट, ये आर गिवन है, आर नॉट गिवन है, या आर गिवन है, रेडियो एक्टिविटी गिवन है। कैलकुलेट डीके कॉन्स्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड, तो मैं बता देता हूं इसके अंदर शुरू में क्या था, रेडियो एक्टिविटी आर नॉट है, और रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, रेडियो एक्टिविटी होती है लैम्डा इंटू एन नॉट, इक्वेशन नंबर वन। थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, ये एन हो गया, इन्हें डिवाइड करेंगे तो आर नॉट बाय आर की ये रेशियो आ जाएगी। आपको इस क्वेश्चन में आर पता है, आर नॉट पता है, तो आप यहां से एन नॉट बाय एन की रेशियो निकाल लेना, तो n नॉट बाई n आ गया, आपको लैम्डा निकालना है। ये फॉर्मूला n इज n नॉट e पर माइनस लैम्डा t में आपको याद है कि कितने टाइम तक रेडियो एक्टिविटी चलेगी, उसका फॉर्मूला करवाया था मैंने, और उसी के साथ लैम्डा निकालने का भी फॉर्मूला करवाया था। तो इसमें n और n नॉट की रेशियो पता है पुट करके, लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर गिवन है, पुट करके लैम्डा आ गया, लैम्डा से हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। तो